कैलिब्रेशन के लिए सबसे पहले जाएंगे क्रिएट न्यू मेजरमेंट प्लान, देन ये विंडो ओपन हो जाएगा। उसके बाद CMM टैब पे जाएंगे, क्लिक करेंगे वापस। उसके बाद स्टाइलस सिस्टम, फिर ये मैनुअल में जाएंगे स्टाइलस में, यहाँ से पिकअप करेंगे मास्टर प्रो को। ये हमारी मास्टर प्रो है, इसको उठाएंगे। इसमें ये यू शेप का जो स्लॉट बना है उसको, एक मिनट, यू स्लॉट को यहाँ पे जो ये पिन है इसके साथ मैच करेंगे। ये तो उसके बाद पिकअप, ये प्रोब पिक हो गई। यहाँ से मास्टर प्रोब सेलेक्ट करेंगे, ओके, देन ये क्लोज हो जाएगा, क्लोज पोजीशन। अब जाएंगे हम रेफरेंस स्क्वायर पोजीशन, क्लिक। उसके बाद यहाँ पे टिल्ट एंगल होता है 135 डिग्री, रोटेशन एंगल हम चेंज कर सकते हैं किसी भी हो, तो देखते हैं एक बार। 25 पे जैसे अभी 225 पे है तो कौन सा है पता कैसे लग रहा है। ये रेफरेंस स्पेयर स्टैंड है। उसके बाद ये लेते हैं 225 के एंगल पे रखते हैं रोटेशन एंगल। ये बिल्कुल यहाँ फिक्स होना चाहिए, यहाँ से बिल्कुल एकदम। ये लॉक हो गया, ऐसे इसको लॉक कर दिया। ठीक है, लॉक कंडीशंस में ये ऐसे होना चाहिए। ये अभी वाई एक्सेस के पैरेलल है, ये हमारी वाई एक्सेस है और इसके पैरेलल रखा हुआ है। तो ये जो ये जो अभी एंगल है ये 225 है ना, तो इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज भी कर सकते हैं। उसके लिए अनलॉक करेंगे, अनलॉक करने के बाद उसको घुमा के घुमाएंगे। अभी ये इसका रोटेशन, ये एंगल जो है रेफरेंस स्पेयर का चेंज हो गया है, तो जो ये चेंज हुआ है तो अभी ये 135 डिग्री में हमने रख दिया है। इसके साथ हमें वहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आके यहाँ भी हमें रोटेशन एंगल ये चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक्स वाई की डायरेक्शन दे रखी है और अभी जो डायरेक्शन है वो है 135 डिग्री, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे दो नंबर, तो ये ऑटोमेटिक चेंज हो गया 135 डिग्री। फिर हम इसे ओके कर देंगे। अब ये क्या है, ओके, इसे ओके कर देंगे और मैनुअली पॉइंट देंगे। अब मास्टर प्रोब से मैनुअली पॉइंट देंगे इसमें, है ना। ये मैनुअली रेफरेंस स्पेयर के सेंटर में एक पॉइंट लेंगे मास्टर प्रोब से। उसके बाद ये रेफरेंस स्पेयर का कैलिब्रेशन ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ये पूरे रेफरेंस स्पेयर में 30 पॉइंट्स लेगा ऑटोमेटिकली, 30 पॉइंट ले लेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ देख लेते हैं रोटेशन एंगल, ये रोटेशन एंगल 135 डिग्री था, ये रेफरेंस रेडियस आ गया, रेडियस ये इसका एरर आ गया, ये 0.3 माइक्रोन है। और ये जो एरर है, स्टैंडर्ड डेविएशन कह सकते हैं इसको, ये हमेशा 1.8 माइक्रोन से कम होना चाहिए। और ये ओके करने के साथ साथ हमारा रेफरेंस स्फीयर का कैलिब्रेशन समाप्त।